तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस सवाल को तुम देखोगे, बेसिकली इसमें करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लॉक की होती है SHM में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होती है उसका फार्मूला आपको पता होगा कि हाफ के एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर और हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर दैट इज 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एट ए बाई टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो एट ए बाई टू, ए बाई टू मतलब क्या होता है भाई, अगर ये SHM हो रहा है टू एंड फ्रो तो ये मेन पोजीशन है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पॉइंट ए है इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये एम्पलीट्यूड प्लस है, एम्पलीट्यूड माइनस है, और ये मेन पोजीशन है 0,0। बात आ रहा समझ में? तो यहाँ से जो ए बाई टू है, ये डिस्प्लेसमेंट ए बाई टू है इस पॉइंट पर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुम देखोगे पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? चमक गया होगा यार, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर दबा के करो यार, सपोर्ट करोगे तभी तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो पाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वेलोसिटी आपको याद है, वेलोसिटी इन SHS, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कब चाहिए, तो जब एक्स की वैल्यू ए बाई टू होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू, मतलब ए स्क्वायर अपॉन फोर, मतलब ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और थ्री थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। यहाँ से तो तुम यहाँ से जब देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन एट द मिड पोजीशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ए बाई टू। आया समझ में? अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अब मुझे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 3/4 और हाफ, ये वाली जो वैल्यू है ये दिस वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लेता हूँ, 25 के इक्वल है, तो 3/25 यहाँ से। तो यहाँ से जब इसको काटोगे तो 18.75 जूल आ जाता है। तो 18.75 जूल मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।